हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है गाइस एक और अमेजिंग वीडियो में। और गाइस, इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है बेन 10 के एक ऐसे करेक्टर के बारे में जिसका नाम है गाइस प्रोफेसर पैराडॉक्स। यहां पर गाइस हम लोग प्रोफेसर पैराडॉक्स की फुल स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले गाइस मैं आपको पैराडॉक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। गाइस कभी भी हमें बेन 10 में ये नहीं बताया गया है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स का असली नाम क्या है, पर गाइस मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि पैराडॉक्स का असली नाम क्या है। इसके अलावा गाइस पैराडॉक्स जो बोलते हैं वो गाइस फ्यूचर को हिंट करते हैं, और अगर गाइस पैराडॉक्स का बात वहां पर कोई पकड़ ले तो गाइस उसको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो गाइस अब हम लोग अपने वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस प्रोफेसर पैराडॉक्स का असली नाम क्या है, ये गाइस आपके मन में भी होगा। प्रोफेसर पैराडॉक्स नाम गाइस ग्वेन टेनिसन ने दिया था बेन 10 एलियन फोर्स में, जब गाइस हमें देखने को मिला था कि गाइस वो जो रेज आती हैं उनके कारण गाइस वहां पर जो प्रोफेसर पैराडॉक्स है वो बेन टेनिसन, ग्वेन टेनिसन एंड केविन 11 से मिलता है। और गाइस ग्वेन जो है वो बोलती हैं प्रोफेसर पैराडॉक्स। तो गाइस प्रोफेसर पैराडॉक्स का रियल नाम है गाइस परसिवल डैक्स। अगर गाइस मैंने गलत पढ़ा तो गाइस मैं आपको स्पेलिंग दे दूंगा, आप लोग गाइस वहां पर जाके पढ़ सकते हो कि पैराडॉक्स का रियल नेम क्या है। तो गाइस यहां पर गाइस जो प्रोफेसर पैराडॉक्स है वो गाइस टाइम में कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि गाइस जहां टाइम एग्जिस्ट करता है प्रोफेसर पैराडॉक्स वहां पर चुटकियों में जा सकते हैं। और वहां पर गाइस पैराडॉक्स की मदद करता है कोरोना नेविगेटर, जो कि गाइस एक घड़ी टाइप का आपको देखने को भी मिला होगा जहां पर लाइट्स आती हैं, और वहां पर पैराडॉक्स कहीं भी जा सकते हैं चुटकियों में। जहां पर गाइस प्रोफेसर पैराडॉक्स ने ही हमें बताया था कि जो पैरेलल वर्ल्ड है वहां पर क्या कुछ हुआ था। इसके अलावा गाइस पैराडॉक्स वही थे जो ओमनीवर्स में सारे के सारे बेन को एक सेम टाइम में ले आए थे। इसके अलावा गाइस जो पैराडॉक्स है वो एलियन एक्स के अंदर घुस के भी गाइस बेन को वो नॉर्मल ट्रांसफॉर्म करा देते हैं। तो गाइस यहां पर पैराडॉक्स गाइस टाइम जहां पर एग्जिस्ट करता है पैराडॉक्स गाइस वहां पर चुटकियों में किसी को भी ले जा सकते हैं, चुटकियों में कहीं भी वो ले आ सकते हैं किसी को भी। इसके अलावा गाइस हमें पैराडॉक्स देखने को भी मिला था कि गाइस वो मैप ऑफ इन्फिनिटी को चार अलग अलग जगह छुपा देते हैं, जहाँ पर गाइस मैप ऑफ इन्फिनिटी की मदद से कोई भी फोर्स ऑफ क्रिएशन में जा सकता था, जो कि गाइस हमें देखने को भी मिला था कि एग्रीगोर चला गया था फोर्स ऑफ क्रिएशन में। तो गाइस यहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स का गाइस अगर मैं आपको बताऊं कि वह आखिर कैसे टाइम ट्रेवलर बने, तो गाइस उनका जो एक रिसर्च था वो गाइस फेल हो गया था उनके एक फ्रेंड के कारण। इसके अलावा गाइस वो अंदर चले गए थे, यानी कि गाइस प्रोफेसर पैराडॉक्स जो है वो गाइस बीच में अटक गए थे, ना वो फ्यूचर में जा सकते थे, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में। इसके कारण वो पागल हो गए थे, और जिसके कारण गाइस उन्होंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद गाइस वो पूरे टाइम में गाइस पूरे हुआ घुस चुके थे, उनके माइंड में पूरा का पूरा वो बैठ चुका था कि आखिर वो कैसे टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। वो गाइस उनकी उम्र भी नहीं बढ़ती है गाइस, आपने देखा होगा उनका फ्रेंड जो है वो बूढ़ा हो जाता है, पर गाइस यहां पर कभी भी पैराडॉक्स की उम्र नहीं बढ़ेगी, कभी भी उनको भूख नहीं लगेगी, आपने उनको कभी खाते हुए भी नहीं देखा होगा। तो गाइस यहां पर जो प्रोफेसर पैराडॉक्स है वो गाइस फ्यूचर को ज्यादा हिंट करते हैं, वो गाइस बेन की मदद करते हैं ताकि गाइस वो फ्यूचर में होने वाले किसी भी गलती के कारण यहां पर बेन को वो आगाह करते हैं कि तुम ये गलती ना करो। और गाइस यहां पर जो प्रोफेसर पैराडॉक्स है वो गाइस बहुत अच्छे इंसान है, पर गाइस उनके एक गलती के कारण वो अब इस धरती में हमेशा के लिए रहेंगे और वो टाइम में कहीं भी जा सकते हैं। तो गाइस ये एक फुल स्टोरी था गाइस प्रोफेसर पैराडॉक्स के लेकर। तो अगर आपको इस तरह से और भी वीडियोस चाहिए तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, मैं आपको इस तरह से वीडियोस देता रहूंगा।